राम राम दोस्तों, चलते हैं आपको लेकर केमिस्ट्री के कुछ चुनिंदे क्वेश्चन की तरफ, टॉप 30 क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलेंगे, जिसका अध्ययन करना बहुत है जरूरी। और उससे भी जरूरी है, आखिरी क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है, आपके आंसर का रहता है इंतजार हमारे कमेंट बॉक्स में। आखिरी क्वेश्चन देखें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हो सके तो देते जाएं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर द्रव होता है वह धातु है ब्रोमीन। शीशा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? स्टील, उपधातु, गनमेटल या सोल्डर। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, काजल। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो ऑप्शन है कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्राइड, कॉपर ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। सिलिका क्या है? सिलिका उपधातु है, अधातु है या धातु है या इनमें से कोई नहीं। धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? धातु को पीटने पर पत्थर बनाया जा सकता है, धातु का यह किस गुणधर्म को बतलाता है? कठोरता को, आघात वर्ध्यता को, चालकता को, सक्रियता को। आघात वर्ध्यता हो जाएगा। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? पारद मिश्र धातु, आयरन मिश्र धातु, अमलगम, जिंक मिश्र धातु, तो अमलगम कहते हैं। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? लोहे पर भाप की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है? जल में विलेयता, निम्न द्रवणांक, ज्वलनशीलता या इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा जल में विलेयता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? एथेनॉल, ग्रेफाइट, हीरा या एल्कीन। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? हीरा, फुलेरिन, ग्रेफाइट या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, हीरा, फुलेरिन, ग्रेफाइट तीनों कार्बन के अपरूप होते हैं। निम्न में कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? मेथनॉल, एथेनॉल, हेक्सेनॉल, प्रोपेनॉल। तो इसका आंसर होगा एथेनॉल, अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है। कार्बन क्या है? अधातु है, धातु है, उपधातु है। तो कार्बन अधातु है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 334 केल्विन होता है। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है किस जल में? तो कठोर जल में, मृदु जल में, दोनों प्रकार के जल में या सभी कथन सत्य हैं। तो मृदु जल में साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छा होता है। निम्न में कौन जल में अविलेय है, जो नहीं विलेय है? एथाइन, ग्लूकोज, एथेनोइक एसिड या अन्य। एथाइन जो है जल में अविलेय है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप माने जाते हैं। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावें जिससे एथेनॉल बना है। हाँ जी, जिससे एथेनॉल बना है उस हाइड्रोकार्बन का नाम है इथेन। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है? पेंसिल बनाने में कार्बन के ग्रेफाइट अपरूप का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रबर निम्न में किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, प्रोपीन, एथिलीन, एसिटिलीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। निम्नलिखित में कौन उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है? उष्मा विद्युत दोनों का सुचालक हीरा, चारकोल, ग्रेफाइट या मीथेन होता है। तो इसका आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। तेल लगा कागज होता है पारभासक, अपारदर्शक, पारदर्शक या इनमें से कोई नहीं। तेल लगा कागज अपारदर्शक होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक, मिश्रण, द्रव या तत्व। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक, मिश्रण, द्रव या तत्व। यौगिक कहलाता है।
दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उपधातु कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? लेड जो है धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है। निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक होती है? आयोडीन या ग्रेफाइट? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, आयोडीन और ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? अमोनिया, ओजोन, वायु या पारा? अमोनिया एक यौगिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? जी हाँ, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका देना है जवाब। आपके जवाब का रहता है इंतजार, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगले वीडियो में रुख करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? मिट्टी का तेल, कांच, रेत, सीमेंट। जय हिंद। मैं भी बेरोजगार, आप भी बेरोजगार।